करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, वन ईयर करंट अफेयर्स, सीसेट के अंदर मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवा कर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब दोस्तों। एनसीईआरटी का ये लेक्चर नंबर 3 है तुम्हारा, और यूट्यूब पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को वैसे भी कंप्लीट करते रहें या फॉलो करते रहें। समझिए, हम लोगों ने जहांदार शाह तक पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे हैं डिके ऑफ मुग़ल एम्पायर या डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, और इस डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल साम्राज्य के पतन को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमारे को असलियत में पहला जो रीज़न मिला डिके ऑफ मुग़ल एम्पायर का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजंस में से एक था इनकम्पिटेंट सक्सेसर्स यानी कि अयोग्य उत्तराधिकारी। अब ये अयोग्य उत्तराधिकारियों का मामला क्या था या इनकम्पिटेंट सक्सेसर्स का मामला क्या था वो समझिए। अब यहाँ इनकम्पिटेंट सक्सेसर्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में, और उनका बेटा बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो गद्दी पर बैठता है। और जब बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठा तो ऑब्वियस सी बात है 1712 के अंदर बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो जाती है। अब जब 1712 के अंदर बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ होती है तो उसके बाद एक अजीब सा एलिमेंट यहाँ घुसता है और जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है। जहांदार शाह के बाद, अच्छा इसके बारे में एक बात ये लास्ट लेक्चर में कही थी कि अगर इसे टाइम मिलता तो शायद मुग़ल एम्पायर को रिवाइव कर देता, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि औरंगज़ेब की ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, जब ये लोग लड़ रहे होते थे तो रॉयल प्रिंस फ्रंट पे लड़ते थे और बाकी जो ऑफिसर्स होते थे वो किसी ना किसी राजा का या किसी ना किसी प्रिंस का सपोर्ट कर रहे होते थे ताकि उनको बेनिफिट मिले। लेकिन यहाँ असलियत में पहली बार ऐसा हुआ कि ऑफिसर्स बिकेम मोर पावरफुल देन रॉयल प्रिंसेस। पहली बार ऐसा हुआ कि जो ऑफिसर्स थे वो ज़्यादा ताकतवर हो गए रॉयल प्रिंसेस से। अगर ऑफिसर्स रॉयल प्रिंसेस से ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मामला ख़राब हो जाएगा, और यही चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, और यही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मुग़ल एम्पायर की। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? अ न्यू एलिमेंट एंटर्ड मुग़ल पॉलिटिक्स इन दिस, यहाँ जहांदार शाह के बनने के अंदर एक नई पॉलिटिक्स, नया एलिमेंट एंटर किया। ये लाइन असलियत में आंसर राइटिंग मटेरियल है, असलियत में यहीं से आंसर्स लिखे जाते हैं। ये छोटी छोटी लाइनें ही होती हैं जो किसी भी स्टूडेंट को आंसर लिखने में मदद करती हैं, और ये लाइनें जो हैं ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, और यहीं से आंसर्स निकलते हैं कि न्यू एलिमेंट एंटर्ड इनटू मुगल पॉलिटिक्स इन दिस सक्सीडिंग वॉर्स ऑफ सक्सेशन। प्रीवियसली कंटेस्ट फॉर पावर हैड बीन बिटवीन राइवल प्रिंसेस, पहले जो था राइवल प्रिंसेस के बीच में कंटेस्ट ऑफ पावर था। द नॉबल्स हैड मियरली एडेड द एस्पिरेंट्स टू द थ्रोन, नॉबल्स सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेंट्स को थ्रोन तक पहुंचने में मदद करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? नाउ एम्बिशियस नॉबल्स बिकेम डायरेक्ट कंटेंडर्स। ये खास बात है कि अब जो एम्बिशियस नॉबल्स थे वो डायरेक्ट कंटेंडर्स बन चुके थे फॉर पावर एंड यूज प्रिंसेस एज मियर पॉन। ये मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, टू कैप्चर द सीट्स ऑफ अथॉरिटी, पावर इकट्ठा करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जुल्फिकार खान था। अब यानी इसके बाद, किसके बाद? बहादुर शाह के बाद। अब किसी भी ऑफिसर को जुल्फिकार खान के, मतलब बहादुर शाह के बाद, अब किंग बनने के लिए, अब बादशाह बनने के लिए
जुल्फिकार खान के बाद बादशाह बनने के लिए या एम्परर बनने के लिए बेस्ट प्रिंस होना जरूरी नहीं था। नहीं, अब बेस्ट प्रिंस की जगह जो मोस्ट प्लेजर लविंग प्रिंस जो होगा, मोस्ट इनकम्पिटेंट जो होगा, वो होना जरूरी था। यानी बेस्ट प्रिंस नहीं होकर जो सबसे ज्यादा अयोग्य प्रिंस था, अब वही बादशाह बनने लगा। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज के दिन बेस्ट बंदा प्रधानमंत्री बनने की जगह ऐसा बंदा प्रधानमंत्री बने जो सिर्फ बैठे बैठे चुपचाप देखता रहे, और बिजनेसमैन और दूसरे बंदे जो हैं वो अपनी सरकार चलाते रहे, मजे लेते रहे, जनता को लूटते रहे। यहां जब ये सिचुएशन आई तो इसकी वजह से असलियत में कोल्ड पॉलिटिक्स का उदय हुआ, और कोल्ड पॉलिटिक्स का जब उदय हुआ तो असलियत में पावर इन द हैंड्स ऑफ ऑफिसर्स, इन द हैंड्स ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के हाथों में पावर्स जाने लगी। पावर्स इन द हैंड्स ऑफ ऑफिसर्स, अधिकारियों के हाथों में पावर जाने लगी। एंड व्हेन द पावर इन द हैंड्स ऑफ ऑफिसर्स स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, तो वहां पर ऑफिसर्स बिकेम किंग मेकर्स। अब पहली बार ऐसा हुआ कि ऑफिसर्स जो थे वो किंग मेकर बनने लगे, जो अधिकारी थे वो राजा को का निर्माण करने लगे, यानी राजा का निर्माण करने वाले अधिकारी बनने लगे। ये मेन बात है। समझिए दोबारा से कि जो सबसे निकम्मा होता था वो बादशाह बनेगा, तो कोर्ट में पॉलिटिक्स होगी, वो अय्याश होते थे, कोर्ट में पॉलिटिक्स होगी, कोर्ट में पॉलिटिक्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अधिकारियों के हाथ में शक्ति होगी, और जितना ज़्यादा अधिकारियों के हाथ में शक्ति होगी उतने ज़्यादा अधिकारी किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। अब यहीं से किसी भी साम्राज्य का पतन सुनिश्चित है, क्योंकि राजा जो होता है वो पूरे साम्राज्य का सोर्स ऑफ पावर होता है, सोर्स ऑफ पावर होता है। इसीलिए पिछले जमाने में या पुरानी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। सिंपल सी बात है, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब ये समस्या क्या, जैसा राजा वैसी प्रजा, उसका सिंपल मतलब यही है दोस्तों, जैसा राजा वैसी प्रजा का सिंपल मतलब यही है कि असलियत में राजा इज द पिन पॉइंट और द सोर्स ऑफ एनर्जी। यहीं से वो खुद जैसा होगा वैसा ही प्रजा के अंदर कामकाज होगा, या प्रजा वैसा ही, भाई जैसा राजा खुद होगा ऑफिसर्स वैसे होंगे, जैसे ऑफिसर्स होंगे नीचे तक वैसा ही इंप्रेशन जबरदस्त रहेगा। भाई अशोक ताकतवर था, सम्राट ये जो गुप्त रूलर्स ताकतवर थे, राजा कनिष्क ताकतवर थे, इसी तरीके से और दूसरे जो भी राजा थे वो ताकतवर थे, जो जो ताकतवर राजा थे उनका ऑफिशियल ऑफिसर्स की नीचे तक की लाइन होती है वो स्ट्रांग होती थी, और जैसे जैसे ऊपर राजा कमज़ोर मिलेगा नीचे तक की जो ऑफिसर्स की रैंक है वो हमेशा कमज़ोर नहीं ताकतवर रहेगी, और वो फिर कहीं ना कहीं घपले घोटाले करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो उतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं थे जितने आज के प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो घपले घोटाले होते थे वहाँ पर हद से ज़्यादा दिखाई दिए, और कंकाल जो निकल निकल के आए उसमें 2G 3G से लेकर इतने सारे घोटाले नजर आए कि कुछ कहने की हद नहीं। आज की सरकार के ऊपर दूसरे जो मर्जी आरोप हो, कम से कम घोटालों के आरोप नहीं, क्योंकि ऊपर वाला राजा साफ कह रहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सा खुल के सपोर्ट भी नहीं करता, और ना ही कोई विरोध, ना तो मेरा सपोर्ट ना विरोध, मुझे किसी प्रधानमंत्री, खासकर मेरी क्लास के अंदर किसी प्रधानमंत्री या किसी सरकार से कोई मतलब नहीं होता। मैं एक उदाहरण की बात कह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई सरकार से कोई मतलब नहीं है, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी क्लास को लेना है। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स की एक आदत है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर आप मुगलों की बुराई नहीं कर रहे। देखिए, मेरा काम यहाँ पर NCERT पढ़ाना है, मेरा पर्सनल व्यू क्या है या आपका पर्सनल व्यू क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है। व्हाट इज रिटन इन NCERT, इस NCERT में जो लिखा है वो आपके सामने, और मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इसकी जगह आपको कुछ दूसरी चीज़ पढ़नी है तो आप मत पढ़िए, मेरा काम NCERT पढ़ाना है। ओल्ड हो चाहे न्यू हो, NCERT एग्ज़ाम में आएगी तो वो पढ़ा रहा हूँ। आपको पसंद आता है नहीं आता, पढ़ाना पसंद आए ना आए, वो मेरे लिए कंसर्न है।
क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना है नहीं पढ़ना वो मेरा कंसर्न नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि असलियत में जो नीचे कमेंट कर रहे होते हैं बच्चे, उन वो थोड़ा अपना लेवल देख के कमेंट करें कि हमारा काम जो है वो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाना है। मेरा यहाँ पर क्लास जो है वो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ना कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कोई मतलब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेल रहा हूँ। अब आप समझिए, तो असलियत में जहांदार शाह जब गद्दी पर बैठता है तो दोस्तों असलियत में जहांदार शाह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जहांदार शाह अय्याश था। जहांदार शाह जो है वो अय्याश था, इसके बारे में कुछ वर्ड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि वन ऑफ द मोस्ट प्लेजर लविंग था। अब ये ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ तो जुल्फ़िकार खान के डोमिनेंस में था कि भाई असलियत में जुल्फ़िकार खान जो है वही इसको कंट्रोल करेगा, एक तरफ जो है जुल्फ़िकार खान के कंट्रोल में था। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इसकी एक मिस्ट्रेस कहो कुछ भी कहो, लाल कुंवर एक मोहतरमा थी, उनके कंट्रोल में था। असलियत में प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई, एक तरफ लाल कुंवर कुछ भी कहो, वो जो मिस्ट्रेस लाल कुंवर थी वो जो कहती थी या तो वो होगा या फिर जुल्फ़िकार खान कहेगा वो होगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर दो तरफ पॉलिटिक्स बट गई और जहांदार शाह इतना इनकम्पिटेंट यानी अयोग्य था, निकम्मा नाकारा था कि वो इस पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाया। जब जहांदार शाह इस पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाया तो उसे अपने जो फ्रेंड थे जुल्फ़िकार खान, जिसकी वजह से वो गद्दी पर बैठा, उसी के ऊपर शक होने लगा और राजनीति और चाटुकारों ने, फ्लैटरर्स चाटुकारों ने जहांदार शाह के कान भरने शुरू कर दिए। और जब जहांदार शाह के कान भरने शुरू किए तो उसने सबसे पहले जुल्फ़िकार खान को ही हटाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार खान को पॉलिटिक्स में उलझना पड़ा। अब आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जहांदार शाह की जो पर्सनैलिटी के बारे में है कि ये वीक और डीजनरेटेड प्रिंस हुआ करता था, यानी निकम्मा था, गिरा हुआ इंसान था और कमज़ोर था, लैक्ड गुड मैनर्स, डिग्निटी सम्मान नहीं था, डिसेंसी नहीं थी, अच्छी आदतें नहीं थी, गुड मैनर्स नहीं थी, एंड डिवोटेड टू प्लेजर, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ देखा जाए तो जुल्फ़िकार खान आता है। जुल्फ़िकार खान वॉज एक्सट्रीमली कैपेबल एंड एनर्जेटिक। जुल्फ़िकार खान जो है वो बहुत ही अच्छा योग्य और ऊर्जावान व्यक्ति था, वो उसका वजीर बना। और सबसे बड़ी बात है जुल्फ़िकार खान ने सिस्टम को सुधारने की कोशिश करी और सबसे पहले अपने पड़ोसी राज्य और सरदार राजपूत राजा और मराठा सरदारों के साथ उसने कंसीलिएट करने की कोशिश करी, यानी एक तरीके का सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी, यारी दोस्ती बनाने की कोशिश करी। और यही रीज़न है, और उसने बहुत तेज़ी के साथ औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी अत्याचार वाली, उसे हटाने की कोशिश करी, उसे बदलने की कोशिश करी। यानी वो भी समझ रहे थे, यानी ये जो मराठा या मुगल सरदार थे या मुगल बादशाह थे, वो भी समझ रहे थे कि औरंगजेब की पॉलिसीज ने जड़ों को खोखला कर दिया है और समस्याएं हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, उन्हें सुधारना ज़रूरी है। और यही रीज़न है उन्होंने आम्बेर के जयसिंह से कहो तो वो उनके साथ दोस्ती बनाई, मारवाड़ के अजीत सिंह से है उनसे दोस्ती बनाई, मराठों के साथ दोस्ती बनाई, और डेक्कन के अंदर दाऊद खान पन्नी के साथ दोस्ती बनाई। अब यहाँ समस्या को समझिए कि मराठों के साथ जो हाफ हर्टेड एफर्ट मराठों के साथ जो बहादुर शाह फर्स्ट ने किया था, यानी आधे अधूरे मन से जो काम किया था, इसने पूरे मन से किया और ये देखा कि मराठे कहीं ना कहीं अच्छी लेवल पर पोजीशन पर हैं और इसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए मराठों को इसने चौथ और सरदेशमुखी वसूलने की पूरी छूट दे दी। डेक्कन का के चौथ और सरदेशमुखी आप वसूल सकते हैं और आगे बढ़ो। नतीजा ये हुआ, ये पहली ऐसी सिचुएशन थी जहां पर मराठा ताकत जो है और ज़्यादा बढ़ने लगी और मुगलों को वो सीधा सीधा चैलेंज करना शुरू कर चुके थे। और सबसे बड़ी बात, जुल्फ़िकार खान ने जाटों के साथ और बुंदेलों के साथ भी बहुत अच्छे दोस्ती निभाने की कोशिश करी, लेकिन खास बात यह है कि इसने सिखों के साथ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आप समझें कि जो डीजनरेटेड मुगल एम्परर होते थे
उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मुगल सम्राटों की या मुगल एम्परर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, तो सब जो कौन कौन से उसके चैलेंजर्स थे। अगर आप चैलेंजर्स में सबसे पहले देखोगे तो सबसे ज़्यादा पड़ोस में जाट बैठे हुए थे, फिर राजपूत बैठे हुए थे, फिर इधर की एक तरफ सिख बैठे हुए थे, और इसके बाद आप देखेंगे तो बुंदेला बैठे हुए थे, और तीसरी तरफ अफगान होते थे, वो पूरी ताकत के साथ अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अफगानों के बाद अगर आप यहाँ देखते हैं बुंदेला, अफगान, मराठा जो थे वो ताकतवर होते जा रहे थे और मुगल एम्परर्स के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे थे। सिंध के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और ईरान की तरफ से भी थ्रेट मिलनी शुरू हो गई थी। तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखेंगे तो 1707 से लेकर और 1740 के बीच तक कोई भी मुगल एम्परर रहा वो इन्हीं शक्तियों से जूझता रहा। 1740 तक या 1750 तक कोई भी मुगल एम्परर रहा वो इन्हीं शक्तियों से जूझता रहा, और इन शक्तियों की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यही घूम फिर के आगे हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर एक तो अफगानिस्तान में निकल के आए और एक मराठों में निकल के आए, ईरान भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। बाकी और सबसे बड़ी बात ये कि मुगल एम्परर्स ने सिखों को छोड़कर बाकी किसी से भी बहुत ज़्यादा दुश्मनी मोल नहीं ली। मुगल एम्परर ने सिखों को छोड़कर बाकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी मोल नहीं ली या बहुत ज़्यादा सप्रेशन नहीं दिखाया। जब ये देख लेते हैं तो जुल्फ़िकार खान के बारे में अगर आप देखेंगे तो जुल्फ़िकार खान ने पूरी कोशिश करी कि मामले को संभाला जाए, सही किया जाए, और यही रीज़न है कि उसने काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ आप ये पूरा पोर्शन जो है पैराग्राफ ये जुल्फ़िकार खान के बारे में देखेंगे। मेरा मानना ये है, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसने एफर्ट किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, मैनी जीलस नोबल्स सीक्रेटली वर्कड अगेंस्ट जुल्फ़िकार खान। सबसे बड़ी बात यह है कि जुल्फ़िकार खान से चिढ़ने वाले बहुत सारे जो नोबल्स थे वो अभी जुल्फ़िकार खान के अगेंस्ट काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, एम्परर टू डिड नॉट गिव हिम हिज ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, यहाँ तक कि बादशाह ने भी उसे अपना भरोसा नहीं दिया। एम्परर को लगने लगा कि जुल्फ़िकार खान जो है वो इतना ताकतवर हो चुका है और एम्बिशियस हो चुका है कि वो एम्परर को ही उठाकर बाहर फेंक देगा। ऐसा होता है, भड़का दिया गया। जुल्फ़िकार खान जो सिचुएशन को सही करने की कोशिश कर रहा था उसको भड़का दिया गया दूसरे नॉबल्स के द्वारा, और जहांदार शाह को ये समझाया गया कि जुल्फ़िकार खान खुद बादशाह बनना चाहता है। और यही रीज़न है कि जो कॉवर्डली एम्परर, सोच कर देखिए एनसीईआरटी ने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, कॉवर्डली एम्परर डेयर्ड नॉट टू डिसमिस द पावरफुल वजीर। एम्परर के अंदर जो निकम्मा नकारा एम्परर था उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस वजीर को हटा सके। बट ही बिगेन इंटरव्यू अगेंस्ट द सीक्रेटली अगेंस्ट हिम सीक्रेटली, लेकिन उसने उसके खिलाफ एक सीक्रेटली मतलब उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। और ये लाइन देखिए, नथिंग कुड हैव बीन मोर डिस्ट्रक्टिव ऑफ हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इससे ज़्यादा बर्बादी का क्या कारण हो सकता है? किसी भी हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आपने इसे बर्बाद कर दिया है, पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। सोच कर देखिए, इतनी बुरी तरीके से आप सिस्टम को कर रहे हो, खुद ही षड्यंत्र कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वजीर को हटा सकें। आप में इतनी हिम्मत नहीं है और आप उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। और यही रीज़न है कि जनवरी 1713 के अंदर जहांदार शाह की रजीम को फरुख सियर, जो उसका भतीजा था, उसने उखाड़ फेंका, क्योंकि ये खुद ही अपनी समस्याओं को बोझ बना हुआ था जुल्फ़िकार खान के अगेंस्ट, तो उसके भतीजे ने उठाकर बाहर फेंक दिया। अब यहाँ फरुख सियर को अगर आप देखेंगे तो फरुख सियर खुद अपनी ताकत से बादशाह नहीं बना था, बल्कि उसके पीछे दो थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। हुसैन अली और हसन अली, असलियत में इन दोनों के नाम थे
हुसैन अली और हसन अली, हुसैन अली और हसन अली। हसन अली बड़ा था इसीलिए इसका नाम था अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान। और अब्दुल्ला खान इसको उपाधि मिली हुई थी और हुसैन को उपाधि मिली हुई थी बारह की। बारह का मतलब जो ताकतवर था उसमें। अब समस्या को बात समझिए कि फर्रुख सियर भी अपनी ताकत से नहीं बना बल्कि इन दो भाइयों की ताकत से बना था। इन्हीं को सैयद ब्रदर्स कहा जाता है और ये इतने ताकतवर हो गए कि पहले इन्होंने जहांदार शाह को मानकर फर्रुख सियर को बनाया। फर्रुख सियर जो है उस वो मर गया या उसे बल्कि मार दिया तो रफ़ीउद्दराज को बनाया और फिर रफ़ीउद्दौला को बनाया, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को बनाया। चार चार मुगल एम्परर इन्होंने बनाए, एक को हटाया पांच बनाए, चार बनाए। इसीलिए हिस्टोरियंस ने इन्हें किंग मेकर्स ऑफ मुगल एम्परर्स कहा है। किंग मेकर्स ऑफ मुगल्स यानी मुगलों का, मुगलों के शासक निर्माता या नृप निर्माता कहा गया। सोचकर देखिए, पांच चार चार मुगल बादशाह इन्होंने बनाए, एक मरता दूसरा बिठा देते, दूसरा मरता तीसरा, तीसरा मरता चौथा। वो तो असलियत में इनकी कुछ वीकनेसेस थी जिसकी वजह से इनको मार डाला गया, वरना लगभग लगभग 10 साल तक तो मुगल कोर्ट्स में इनकी तूती बोलती थी, इतने ताकतवर हो गए थे। अब आप सोचकर देखिए, अब इनमें से एक को वजीर बना दिया और दूसरे को मीर बख्शी, यानी अब्दुल्ला खान वजीर बन गया और हसन अली, हुसैन अली जो है वो मीर बख्शी बन गया। अब ये जो दो भाई थे, सून एक्वायर्ड डोमिनेंट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स सब जगह। अब सबसे बड़ी बात ये कि फर्रुख सियर कौन था? कॉवर्ड, डरपोक, क्रूअल, अत्याचारी, अनडिपेंडेबल, जिसके ऊपर भरोसा नहीं, जिसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, फेथलेस, जो खुद किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था और तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे, समझे। और सबसे बड़ी बात ये इनकी क्वालिटी थी सभी की, हिमसेल्फ, ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्थलेस फेवरेट्स एंड फ्लैटरर्स। वर्थलेस जो किसी काम के नहीं, फेवरेट्स मतलब ऐसे ऐसे लोग जो उनके किसी काम के नहीं थे, उनको अपना यारा प्यारा बना रखा था, चाटुकार थे, ऐसे लोगों से मुगल बादशाह घिरा हुआ था। भाई आज आपका प्रधानमंत्री घिरा हुआ है किससे? एस जयशंकर से। दुनिया में कोई आदमी हो जो उनकी क्वालिफिकेशन या किसी भी तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दे, आज का दिन अगर घिरे हुए हैं तो दूसरी तरफ कौन खड़े हुए हैं? अजीत डोवाल, तीसरी तरफ अमित शाह, चौथी तरफ जो सेक्रेटरीज वगैरह, और बाकियों के अगर नाम बताएं तो एक से बढ़ के एक, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि इनकी जो टीम है वो ज़बरदस्त अल्टीमेट लेवल पर है। कहीं ना कहीं कोई फ्लैटरिंग नहीं चलती, चापलूसी नहीं चलती, जो काम का बंदा है वही आगे बढ़ेगा। और जिस देश के अंदर काम के बंदे को सलाम होता है वो देश हमेशा तरक्की करता है। और अगर वर्थलेस फेवरेट्स और फ्लैटरर्स की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। अब सबसे बड़ी बात ये कि फर्रुख सियर जो था वो कमज़ोर था, निकम्मा था, इन स्पाइट ऑफ हिज वीकनेस, वो खुद निकम्मा था, वो खुद निकम्मा था। फर्रुख सियर वॉज नॉट विलिंग टू गिव द सैयद ब्रदर्स अ फ्री हैंड। फर्रुख सियर जो है सैयद ब्रदर्स को फ्री हैंड नहीं देना चाहता था। फर्रुख सियर वॉज नॉट विलिंग टू गिव द फ्री हैंड टू सैयद, फ्री हैंड टू सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स को वो खुला नहीं छोड़ना चाहता था, यही रीज़न है कि, और साथ में वो जो, वो ये चाहता था कि जो मैं कहूँ वो करा जाए। खुद निकम्मा होते हुए भी कई बार निकम्मे लोग ज़्यादा बर्बाद इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो निकम्मे नहीं, वो इंटेलिजेंट हैं और जो वो कहेंगे वही होना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में जब ये कहना शुरू करें कि जो वो कहें वही होना चाहिए, वहीं से सिचुएशन जो है वो ख़राब होनी चाहिए, हो जाती है। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, सैयद ब्रदर्स वर कन्विंस्ड दैट एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी कैरीड ऑन प्रॉपरली, द डिके ऑफ एम्पायर चेक्ड एंड देयर ओन पोजिशन सेफ गार्डेड ओनली इफ दे वाइल्डेड रियल अथॉरिटी एंड द एम्पर मियरली रिजाइन विदाउट रूलिंग, राइंड विदाउट रूलिंग। ये सैयद ब्रदर्स कहते हैं, यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। मेरा हालांकि पढ़ाने का ये तरीका नहीं है, मैं तो फ्लो चार्ट बनाता हूं, लेकिन क्या है
कि असलियत में बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए, तो असलियत में एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका बताने के लिए मुझे इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है कि नॉर्मली एक स्टूडेंट को एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, वो आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ के समझाया जा रहा है कि उसके सेंसेस क्या होते हैं। यहां असलियत में इस पूरी लाइन में आपको एक शब्द नहीं नजर आएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बताया क्यों बताया, क्योंकि यहां साफ नजर आ रहा है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन नजर आ रहा है। जो लिखा हुआ नहीं है नजर आ रहा है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी डिफेक्ट, ये पूरा क्या नजर आ रहा है, पर्सनैलिटी डिफेक्ट। एक शब्द, पर्सनैलिटी डिफेक्ट, यही चीजें तो क्लास में बताने की कोशिश की जाती है। फिर नॉर्मली हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस क्या करते हैं कि पर्सनालिटी डिफेक्ट, फिर बच्चे से कहते हैं पढ़ के आओ, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो पर्सनालिटी डिफेक्ट कहां है। यस, वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या ये चीजें बता के निकल लेते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा इसे खुद पढ़े और रिस्पॉन्ड करे और खुद पढ़ के कुछ ना कुछ आंसर्स दे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो खुद नहीं पढ़ता, या पढ़ता तो उसे समझ में नहीं आता, स्कूल में उसे ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, गाइडें और कुंजियां पढ़ पढ़ के पास हो जाता है, नतीजा क्या है, मामला खराब। अब आप समझिए, अब यहीं पर एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन एम्परर फरुखसियर एंड हिज वजीर एंड मीर बख्शी। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अल्टीमेटली लीड टू स्ट्रगल फॉर पावर, स्ट्रगल फॉर पावर। अब ऐसी सिचुएशन में जो अनग्रेट, सोच कर देखिए एनसीईआरटी वाले ने लिखा है अनग्रेटफुल, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे गालियां बकरा हो। अनग्रेटफुल एम्परर, एक ऐसा एम्परर जिसे गद्दी के लिए वो लायक नहीं था, फिर भी उसे गद्दी दे दी गई, अब वो सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहा है। सैयद ब्रदर्स ज्यादा काबू में आने वाले थे नहीं, सैयद ब्रदर्स ज्यादा काबू में आने वाले थे नहीं। इन द एंड, ये समझ लीजिए, इन द एंड इन 1719 सैयद ब्रदर्स डिपोज्ड एंड किल्ड हिम, सैयद ब्रदर्स ने उसे उतारा और मार दिया। अब यहां प्रॉब्लम आती है, सैयद ब्रदर्स ने उतारा और मार दिया, यहीं से अगर आप देखें तो सैयद ब्रदर्स की एक नेगेटिविटी दिल्ली के अंदर फैल गई, प्रजा में फैल गई, और प्रजा में इनको कहा गया नमक हराम, because they killed the emperor. They were powerful, बहुत ताकतवर थे, लेकिन जनता में इनका एक impression create हो गया कि ये तो नमक हराम है। जनता में इनका एक impression create हुआ कि ये दोनों भाई तो नमक हराम है। इन्हें फरुखसियर ने appoint किया वजीर और मीर बख्शी, और इन्होंने ही फरुखसियर को मार दिया। अब जब ऐसा हुआ तो obvious सी बात है, इनकी इस कमजोरी का फायदा और लोगों की इनके खिलाफ नाराजगी का फायदा, यहां ये पब्लिक परसेप्शन जो क्रिएट होता है इसके ऊपर भी एम्पर सरकारें चलती हैं कि पब्लिक क्या सोचेगी, जनता क्या सोचेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां इस एम्परर को मारने के बाद इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि जनता क्या सोचेगी, और जनता क्या सोचेगी इसका फायदा विरोधी उठाते हैं, होता है ऐसा, बहुत होता है। विपक्ष हमेशा जनता के दम पे ही तो चलता है, विपक्ष के पास ताकत क्या है, जनता, जनता को जितना वो अपने पक्ष में करेगा सरकार उतनी कमजोर रहेगी, और जितना ज्यादा जनता सरकार के साथ रहेगी विपक्ष उतना कमजोर रहेगा, आज के हालात में आप देख सकते हैं। अब आप समझिए, सैयद ब्रदर्स ने दो और टू यंग प्रिंसेस, दो और प्रिंसेस को भी बनाया, रफीउद्दराज रफीउद्दौला को, दोनों तीन दिन और तीन महीने दस दिन के अंदर मर गए, दोनों को डिहाइड्रेशन हुआ, शराब पी के मर गए, अलग अलग जगह अलग अलग मामला है। उसके बाद बनाया मोहम्मद शाह को एम्परर ऑफ इंडिया, समझे, मोहम्मद शाह 18 साल का लड़का, लेकिन इसका अगर आप टाइटल सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इसका नाम था रंगीला। सबसे बड़ी बात, फरुखसियर के टाइम पर मराठों की ताकत बहुत बढ़ गई थी। यहां अगर आप देखें तो फरुखसियर के टाइम पर यहां जो मराठे सिर्फ इतने से इलाके में थे, जो मराठे सिर्फ इतने से इलाके में थे, अब इतने बड़े इलाके में फैल गए। जो मैसूर यहां तक छोटा था, अब वो अपने सी कोस्ट तक फैल चुका था।
यानी, और तीसरी बात, बंगाल जो है वो 1717 में अलग हो चुका था। यहां एनसीईआरटी ने वो चीज नहीं दी। असलियत में बंगाल को समझ लीजिए, बंगाल में था मुर्शीद कुली खान, बंगाल में था मुर्शीद कुली खान। हमारी मजबूरी है कि हम स्टिक टू द एनसीईआरटी नहीं चल सकते ज्यादा सा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चीजें जब जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं दूर तक जाती हैं, और जब कंसेप्ट क्लियर करना होता है तो हर चीज को जोड़कर चलना पड़ता है। अब यहां अब सोचकर देखिए, मैंने आपको यहां फर्रुख सियर पढ़ाया, तो फर्रुख सियर में पंजाब के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया, यहां पर मराठों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया, बंगाल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया, और हम अगर यहीं बताकर नहीं चलेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए हमारे साथ एक समस्या रहती है और हमें ये चीजें बतानी पड़ती हैं। तो असलियत में बंगाल और सिख, यहां अगर आप देखेंगे तो फर्रुख सियर के टाइम पर एक सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हुई, फर्रुख सियर के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली अगर यहां पे है तो दिल्ली के अंबाला तक के इलाके के ऊपर, अंबाला से भी आगे तक के इलाके के ऊपर सिखों ने अपनी इतनी ज्यादा ताकत बढ़ा ली थी, काबुल तो भूल ही जाओ, काबुल भी सिर्फ नाम का ही रह गया था। सिखों ने अपनी इतनी ताकत बढ़ा ली थी कि यहां पर जो बंदा बहादुर था वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी करने लग चुके थे। बंदा बहादुर दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी करने लग चुके थे, और यहां पर लोहगढ़ के अंदर उन्होंने अपनी, अंबाला के पास है लोहगढ़, लोहगढ़ के अंदर के किले, लोहगढ़ के किले पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। सीधी थ्रेट दिल्ली, सीधी चुनौती दिल्ली। अब दिल्ली अगर सीधी चुनौती, तो यहां कहीं ना कहीं फर्रुख सियर की किस्मत कहो या कुछ भी, वो अच्छी थी, और 1716 के अंदर बंदा बहादुर पकड़े गए और जून 1716 के अंदर इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। फर्रुख सियर के टाइम की मुगलों की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि सिखों की एक बहुत बड़ी थ्रेट को खत्म कर दिया, सिखों की एक बहुत बड़ी थ्रेट को कमजोर कर दिया, खत्म नहीं हुई थी, कमजोर हो गई थी, यानी वो अगले 20-30 साल तक दिल्ली की तरफ नजर उठाने वाली सिचुएशन में नहीं बचे थे। और उसके बाद फिर भी सिखों ने अपने इस इलाके पर कब्जा जमा लिया। दूसरी इस फर्रुख सियर की प्रॉब्लम क्या थी, सोचकर देखिए, मुगल्स जो हैं वो कमजोर होकर बिखरना शुरू कर चुके हैं। 1717 में असलियत में दिल्ली में कौन है, सैयद ब्रदर्स, और सैयद ब्रदर्स चाहेंगे कि पूरे का पूरा मुगल एम्परर उनके कदमों में रहे। यहां था मुर्शीद कुली खान, जिसे औरंगजेब ने अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। अब सैयद ब्रदर्स चाहते थे मुर्शीद कुली खान उनका कहना माने, और मुर्शीद कुली खान कहता तुमसे बहुत सीनियर हूं, फालतू मत बोलो। यानी दिल्ली बंगाल को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, लेकिन मुर्शीद कुली खान ने इसे कहीं ना कहीं एक ऑटोनॉमस स्टेट बना दिया था। ऑटोनॉमस स्टेट का मतलब अपना ही एक स्वायत्त राज्य बना दिया था, ऑटोनॉमस स्टेट यानी कि स्वायत्त राज्य बना दिया था। अब ऐसी सिचुएशन में जब इसे ऑटोनॉमस स्टेट यानी स्वायत्त राज्य बना दिया, तो यहां सोचकर देखिए, आगे आगे बंगाल में पढ़ेंगे कि 1717 में फर्रुख सियर ने ब्रिटिशर्स को एक फरमान जारी किया, और इसी को मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिश कहा जाता है, मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिश। इस मैग्ना कार्टा में क्या किया, असलियत में कहानी प्रचलित है डॉक्टर बैटन वाला मामला, कि बहादुर यहां मोहम्मद शाह की एक बेटी को फोड़ा हो गया या कुछ ट्रीट बीमारी हो गई, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए फर्रुख सियर के ने अंग्रेजी डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर ने उसका, उस बच्चे का इलाज किया, फर्रुख सियर से खुश हुआ। फर्रुख सियर ने कहा, बोल डॉक्टर क्या मांगते हो, तो डॉक्टर ने कहा, हुजूर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी कंपनी घाटे में चल रही है, समस्याओं में है, प्लीज़ अगर मदद कर सकते हो तो मेरी कंपनी की मदद कर दो। फर्रुख सियर इससे बहुत खुश हुआ, और फर्रुख सियर ने कहा, एक ऐसे ज़माने में जब हर कोई एक दूसरे की गर्दने काट के अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में तुम अपनी कंपनी के बारे में सोच रहे हो, तुम तो बहुत वफादार हो, बुलाओ अपनी कंपनी को। असलियत में सारी राजनीति थी, राजनीति सैयद ब्रदर्स की थी, ताकि वो कंपनी के थ्रू मुर्शीद कुली खान पर कब्जा कर सकें या उसे दबाव में ला सकें, उनको बता सकें कि दिल्ली अभी भी तुम्हारे बाप है, दिल्ली तुम्हारे सर पर बैठी हुई है।
मैग्ना कार्टा इशू किया और ये कहा ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, यानी सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये सालाना लाइसेंस फीस जमा होगी दिल्ली में और बंगाल को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को कह दिया जाएगा। बंगाल को कर मुक्त व्यापार, बंगाल में ब्रिटिशर्स कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं बंगाल के अंदर, यानी बंगाल के अंदर कोई भी व्यापार किया जाए वहाँ ड्यूटी फ्री होगा, यानी उसमें कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, इतना समझ लीजिए। और साथ में बंगाल और बिहार और उड़ीसा भी इसके साथ जोड़ दिए गए। सोच कर देखिए, आज भी अगर बंगाल और बांग्लादेश की पॉपुलेशन निकाल ली जाए तो 30-35 करोड़ बैठती है, और अगर उसमें बिहार झारखंड और उड़ीसा भी जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 50 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, 50-55 करोड़ के बीच में, या हो सकता है 60 करोड़। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इतनी बड़ी आबादी को अगर आप यूं कहो कि 300 करोड़ के टैक्स में भी एक कंपनी को दे दिया जाए तो भी आप कहोगे यार बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के ऊपर जो टैक्सेस होंगे या जो प्रॉफिट होगा टैक्सेस का वो बहुत ज़बरदस्त होगा, और मात्र 3,000 रुपये में उठाकर पूरा बंगाल कंपनी के नाम कर दिया और मुर्शीद कुली खान को कहा कि तुम्हें ये मानना पड़ेगा। और यही फरमान और यही आगे इसके जो दस्तक थे स्पेशल पास, वो आके बंगाल की लड़ाई का कारण बनेंगे, आगे समझाऊंगा, आगे है, लेकिन यहां बताना जरूरी होता है, खासकर ये 2-3 प्रकरण जो एनसीईआरटी में यहां नहीं दे रखे, आगे दे रखे होंगे, लेकिन हमें समझाने पड़ते हैं क्योंकि चीजें यहीं से जुड़ती हैं, और बच्चा ऐसी ही जगहों पर कंफ्यूज होता है कि कुछ चीज कहीं दे रखी है और कोई चीज कहीं दे रखी है, और हमारा काम यह है उन चीजों को सही जगह पर बताना। और यहां क्योंकि अब एनसीईआरटी खुली हुई है तो बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक के अनुसार हमें पढ़ाना पड़ रहा है, वरना जब चीजों को फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में पढ़ाया जाता है तो आप मेरे दूसरे लेक्चर्स देख सकते हैं जिसके अंदर टॉपिक पढ़ाया जाता फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, तो वो फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में जो पढ़ता है तो एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाती है, दिमाग में एक इमेज बनती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ होगा। अब आ जाते हैं सैयद ब्रदर्स के नाम पर। सैयद ब्रदर्स की सबसे बड़ी खास बात ये थी, ये पूरे का पूरा आप पढ़ेंगे, ऑप्शनल वाले पहले पढ़ते थे इन सब चीज़ों को, लेकिन आज के दिन यहाँ इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सैयद ब्रदर्स के मामले में पूछा नहीं जाता। फिर भी अगर कहीं पर सैयद ब्रदर्स के बारे में आए तो पूरी की पूरी सैयद ब्रदर्स की जो कहानी है वो इस पेज पर दे रखी है, इस तरीके से आप ढूंढ लेंगे। लेकिन यहां इससे आगे देखेंगे कि सैयद ब्रदर्स की जो कहानी थी, अब सैयद ब्रदर्स की जो कहानी थी वो पूरी की पूरी कहानी आगे बढ़ती है, और सैयद ब्रदर्स जो हैं उनके अगेंस्ट मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो षड्यंत्र करना शुरू करता है और हैदराबाद से निजाम उल मुल्क को बुला लिया जाता है, निजाम उल मुल्क का ओरिजिनल नाम था चिन किलीच खान, और ये इसी ने हैदराबाद स्टेट की शुरुआत की थी, समझे, एस्टेब्लिशमेंट की थी। अब आप समझिए यहां ये निजाम उल मुल्क जो है सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट षड्यंत्र करता है और एक एक करके दोनों सैयद ब्रदर्स को मार दिया जाता है, और यहीं से मामला जो है वो अलग थलग पड़ना शुरू हो जाता है, और मोहम्मद शाह रंगीला 1720 से लेकर 28 साल तक रूल करता है। लेकिन प्रॉब्लम समझिए, अच्छा इस मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर ही अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 1720 के आसपास ही, 1920 के आसपास ही कहीं ना कहीं बाजीराव फर्स्ट भी पेशवा बनता है और उसकी उम्र भी महज 19 साल होती है। सोचकर देखिए, ये 18 साल का, ये 19 साल का, ये रंगीला यानी अय्याश और ये वॉरियर, ज़बरदस्त वॉरियर, दोनों के बीच ये सिचुएशन समझिए, एक अय्याश और दूसरा वॉरियर। और तीसरी तरफ यही अगर आप देखते हैं तो एक तरफ नादिर शाह दिल्ली आने की तैयारी कर रहा है इस मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर, चौथी तरफ बंगाल के अंदर अली वर्दी खान जो है वो तैयारी कर रहा है आगे बढ़ के बादशाह बनने की। तो ये चारों के चारों लगभग एक टाइम के, हालांकि बाजीराव फर्स्ट जो है ये पहले मर चुका होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चार कैरेक्टर्स
इंडियन पॉलिटिक्स में आगे आगे आपको दिखाई देंगे, और अगली क्लास में या अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो असलियत में इन चार कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1720 से लेकर 1740 या यूं कहें 1750 के बीच की पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिक्स को डिसाइड कर रहे हैं। तो ये 1720 से 50 पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया क्या थी, इसे समझिए। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये 1720 को अगर आप देखते हैं तो ये आपका, ये आपके पास नक्शा है, और इस नक्शे में 1720 से 50 की अगर आप पॉलिटिक्स देखते हैं तो पूरी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में उलझती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मुगल बाद एम्पायर है और यहाँ दिल्ली है। दिल्ली में बैठा है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ पहले मुर्शीद कुली खान, फिर उसके बाद शुजाउद्दीन, और फिर उसके बाद अली वर्दी खान। असलियत में इधर 1720 से 50 की पॉलिटिक्स बता रहा हूँ। इधर बाजीराव पेशवा है, बाजीराव फर्स्ट है। ईरान के अंदर नादिर शाह आ चुका है और असलियत में वो इंडिया की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बीच में सिख हैं जो कि वीक हैं, सिख हैं जो कमजोर हैं। नादिर शाह है, बाजीराव फर्स्ट है, बीच में सिख कमजोर हैं। यहां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला है, निकम्मा है। बाजीराव अपना एक्सपेंशन कर रहा है, चारों तरफ हर किसी को निपटा रहा है। मुर्शीद कुली खान बंगाल में खुश है, लेकिन यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और मजे की बात, यहां इस इलाके में ड्यूप्लेक्स मौजूद है जो फ्रेंच ऑफिसर है और वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। यहां अब राजनीति शुरू होगी, यहां जबरदस्त राजनीति यहां पर शुरू होनी जा रही है, और आगे आने वाले समय में यहां पर कौन सी राजनीति होगी। मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा मजेदार है पढ़ना, ये अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, एनसीईआरटी छोटे छोटे लेक्चर्स में समझा रहा हूं, आने वाले समय में जैसा भी होगा वो आपको बताते रहेंगे। दोस्तों हमारी पीटी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और पीटी की क्लासेस के अंदर आप लोग जो भी जुड़ना चाहें, जो जून 27 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 27 जून को एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसी साल, वो हमारे इस लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। बहुत ही प्लान्ड वे में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से करवाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस हैं, तो जो कि आपको बहुत मदद करेंगी आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो जल्दी से जल्दी आप इस लेक्चर से जुड़िए, इन क्लासेस से जुड़िए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.